time, so I'll be doing another vlog. So this will be vlog number 2. So this is going to be a Sunday vlog, like how I spend my Sunday most of the Sundays. So this is going to be mostly like in home vlog, so I don't have any plans of going out today. So yeah, if you're interested to know how my Sunday goes, then please keep on watching. So one more announcement I want to share with you guys is I got few DMs and messages to do vlogs in Hindi, like to do videos in Hindi generally. So from now onwards, I will try to mix Hindi and English together in the vlog. So mostly abhi se vlogs English mein hogi, where Hindi and English will be mixed together. So I'll try my level best to do vlogs, more vlogs and more videos in Hindi, like English. So yeah, and if you find any mistakes in my Hindi, please let me know in the comment section, because main ek Bengali hu to mujhe thodi problem hoti hai Hindi bolne mein, like not in speaking Hindi, like in describing the genders. The Bengali thing comes out in Hindi forms, like we say some words are like we eat water, which is in Bengali we say jol khabo, but in Hindi it's like pani peena hai, something like that. So sometimes by mistake I'll say pani khana hai and people laugh at me. So I know I have that problem. So yeah, don't hesitate, please let me know. Even I want to learn the proper Hindi. तो मुझे बोल देना कमेंट्स में अगर कोई गलती हो जाए तो. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस न्यू एडिशन टू माय चैनल. होप यू ऑल विल लाइक इट एंड सपोर्ट इट. दैट्स इट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज डे. अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ. सो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 11:30, तो मैं उठी हूँ अराउंड 10:30 को, बिकॉज बहुत लेट सोई थी. तो अभी के लिए मैं तो अभी नाश्ता बनाऊँगी. नाश्ता में बस मैं कॉफ़ी पीती हूँ, सो आई मेक दैट फॉर मी. एंड लियो के लिए लंच की प्रिपरेशन करूँगी, और उसके बाद अभी फिर आके हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. हमें अभी टू डू लिस्ट भी बनाना है आज के दिन में, हमारा क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या काम ख़त्म करना है. तो एक लिस्ट बना लूँगी, उसके हिसाब से पूरा दिन प्लान करेंगे. सो अभी के लिए चलो हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं. मेरा कॉफ़ी है अभी. अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ मेरी कॉफ़ी. नॉट ओनली इंजॉयिंग, मैं अभी काम भी स्टार्ट करती हूँ. काम इन द सेंस आई स्टार्टेड एडिटिंग माय वीडियो. सो लास्ट आपने जो वीडियो देखा है वो मैं अभी एडिट कर रही हूँ. तो हाँ, ये मैं अभी एडिट कर रही हूँ, और ये वीडियो है क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके लिए बहुत टाइम लगा था मुझे फिल्म करने में, काम ख़त्म करने में और शूट करने में, इवन एडिट करने में भी.
बहुत लॉन्ग वीडियो था, मतलब प्रोसेस बहुत लॉन्ग था क्योंकि मुझे पूरा ख़त्म करके ही आई वॉज एबल टू गिव द कंक्लूशन एंड द आउटपुट, लाइक हाउ इट लुक्ड आफ्टर, लाइक हाउ मच क्लोथ्स आई गॉट रिड ऑफ. सो हाँ, मैं अभी एडिट कर रही हूँ बैठ के. और उसके साथ साथ और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आज के दिन, आज का डेट है आई गेस, आज का डेट है 7th of July. और आज जो सब मैंने कपड़े डोनेशन के लिए रखे थे, आज वो डोनेट होने वाले हैं. तो बैंगलोर में एक ऑर्गेनाइजेशन है SADD, सेव योर डोनेशन या कुछ तो है, मैं लिंक डाल दूँगी, इवन स्क्रीन में भी डाल दूँगी. तो वहाँ से आप, मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम ऐड में देखा था ये, और आई वॉज़ लुकिंग फॉर सम डोनेशन, लाइक हाउ विल आई बी एबल टू डोनेट. मुझे क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रख देती हूँ उस चीज़ों को, जाके डोनेट करना है बहुत टाइम लग जाएगा और मेरे घर में स्पेस भी ले रहे हैं बहुत वो जो जितने सारे सामान हैं. तो मैंने सर्च कर रही थी, फिर इंस्टाग्राम में मुझे एक ऐड आया उस ऑर्गेनाइजेशन का. तो वहाँ पे जाके मैंने, वहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, आप ड्रॉप भी कर सकते हो एक लोकेशन पे और पिकअप के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो. तो ऑब्वियसली मैंने पिकअप के लिए रिक्वेस्ट किया है और वहाँ पे आई थिंक 199 rupees चार्जेस लगते हैं आपको. तो वो लोग बोलते हैं कि वो भी डोनेशन में ही काम आएगा, सो वो 199 rupees जो आप पे कर रहे हो. तो आज मेरा डोनेशन होने वाला है. उनका प्रोसेस थोड़ा अजीब है क्योंकि मेरा पिकअप बहुत बार रिस्केड्यूल हुआ है, बहुत दिन हो गया है मैंने वो रिक्वेस्ट किया था. तो आज अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था, वो लोग बोले हैं कि आज आके लेके जाएगा. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. आई विल ट्राई टू शूट दैट प्रोसेस एज वेल. तो मुझे अभी जाके सॉर्ट करना है, मतलब ऑलरेडी बैग्स में भरे हुए हैं कपड़े तो मुझे निकालने हैं, और मुझे कुछ शूज़ भी देने हैं तो वो सब सॉर्ट करना है. तो अभी मैं कॉफ़ी पीते पीते थोड़ा एडिटिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद वो जाके सॉर्ट करूँगी. दैट विल बी आवर नेक्स्ट टास्क फॉर द डे. और टास्क के लिए मैं जो बोल रही थी, रिसेंटली मुझे एक स्टोर में ये नोटबुक मिला. दिस इज़ सच ए क्यूट नोटबुक. सो इस नोटबुक के वॉट एवर आई लाइक, वॉट एवर आई एस्पायर, एवरीथिंग इज इन हीयर. सो आई वेंट एंड पिक्ड इट अप. कितना क्यूट है. आपको एक यहाँ पे सिनेमा है, यूट्यूब है, कैमरा है, पिज्ज़ा है, कॉफ़ी है, देन बहुत सारे कुछ है, केक्स है, मुझे चीज़ केक बहुत पसंद है. तो एक्चुअली दिस इज़ लाइक मी इन ए कवर, बुक कवर. सो मैंने ये लिया है. तो अभी इसमें मैं आज का टू डू लिस्ट बनाऊंगी. तो हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्क. मैं अभी टाइम लैप्स पे आपको दिखाऊंगी थोड़ा एडिटिंग का काम. तो हाँ, वो मैं अभी करने वाली हूँ. और एक चीज़ आप देख रहे हैं, मेरा स्किन बहुत फ्लेकी हो रहा है. नॉर्मली मेरा ऑयली स्किन है, बट दिस डेज माई स्किन इज़ गेटिंग वेरी ड्राई ऑन माई फोरहेड एंड इन फ्रंट नियर माई नोज. सो आई डोंट नो वाई दिस इज़ हैपनिंग. आई एम हैप्पी दैट इट इज़ नॉट दैट ऑयली. मैं बहुत ख्याल रख रही हूँ अपनी स्किन का. वंस आई गेट अ प्रॉपर रिजल्ट, आई एम गोइंग टू डू अ स्किन केयर रूटीन. मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ. मुझे पिगमेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम है, एज यू कैन सी सन पिगमेंटेशन है. मुझे सन एलर्जी है, तो मैं ज़्यादातर धूप में जब रहती हूँ ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं. और जब मैं स्कूल में थी तब मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती थी. मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, पापा हमेशा चिल्लाती थी मुझ पर कि सनस्क्रीन लगा ले, लेकिन तब इतना सनस्क्रीन का वैरायटी भी नहीं था. और तब हमारे घर में वो गार्नियर, आई थिंक गार्नियर का ही आता था, याद नहीं है, गार्नियर या किसी का एक सनस्क्रीन आता था, और लगाते ही मेरी आँखों से पानी निकलना चालू हो जाता था, पूरा एकदम रेड हो जाते थे आँखें, और आई वॉज नॉट एबल टू टेक दैट क्रीम. So I used to skip it and now I am realizing what I have done to my skin. I have so much black spots all around which I don't think is going to go. Pehle se thoda better hai abhi. I'm trying to take very good care of my skin. I think when I came to Chennai
फॉर माई कॉलेजेस, वहाँ से मैंने सनस्क्रीन लगाना चालू किया है और आई एम अप्लाइंग सनस्क्रीन रिलीजियसली फ्रॉम दैट टाइम. सो या इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट यूजिंग सनस्क्रीन, प्लीज डू दैट. यू विल रियलाइज द रिजल्ट्स आफ्टर समथिंग हैपन्स, लाइक इट्स सो हार्मफुल फॉर योर स्किन. और अभी तो पॉल्यूशन और सन डैमेज इतना ज़्यादा हो रहा है, तो डोंट स्किप योर सनस्क्रीन. एटलीस्ट 40-50 SPF अगर आप ह्यूमिड प्लेस में रह रहे हो और बाहर आपका ट्रैवलिंग का जॉब है या कुछ, यू मस्ट. इवन आप रूम में भी रह रहे हो, सनस्क्रीन इज मस्ट. सो या बहुत बातें हो गई, अभी थोड़ा काम भी कर लेते हैं. This is the clothes just now. We'll be going for donation. The people have already come. I'll be giving away all these clothes right now. So currently the time is 6:51. I just finished editing the video. It is currently rendering right now. So almost the agenda is done. जो कपड़े लेने थे donation के लिए वो अभी लेके गया है. तो दैट इज़ डन. सॉर्टिंग वॉज ऑल्सो डन. मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, जस्ट वो कॉफ़ी पी थी. अभी कुछ खाना है मुझे. उसके पहले मैं लियो को थोड़ा घुमाने ले जाती हूँ, छत पे बहुत देर से घूम रहा है आगे पीछे मेरे. तो अभी मैंने वीडियो रेंडरिंग पर डाल दी है, होपफुली टुमारो अप हो जाएगी वीडियो. सो By the time this video goes up, you people will already would have watched that video. तो मुझे comments पर बताना कैसा लगा ये video and even this video, the Hindi vlog as well. तो अभी हम लियो को लेके छत पे. सारा काम ख़त्म कर लिया. वीडियो भी अभी रेंडरिंग हो रही है तो कल तक अपलोड हो जाएगी. अभी मुझे थोड़ा खाना खाना है, भूख लग रही है अभी. बस कॉफ़ी के बाद मैंने अभी तो कुछ नहीं खाया है, तो अभी थोड़ा जाके मैगी बनाऊंगी. उसके बाद मैं थोड़ी पैम्पर सेशन करूंगी, क्योंकि संडे को मोस्टली आई डू पैम्पर सेशंस, लाइक फेस पैक लगाती हूँ, फिर कुछ कुछ करती हूँ, नेल पॉलिश चेंज करती हूँ, बाल धोती हूँ. तो ऑल दैट आई विल स्टार्ट डूइंग नाउ. सो हाँ, अभी के लिए इतना ही प्लान है. मैं दिखा देती हूँ आपको मेरा जो टू डू लिस्ट था आज का. तो ये था मेरा आज का टू डू लिस्ट. तो उसमें से मैंने 1-2-3 चीज़ें अभी तक कर ली है. ड्रिंक 2 बॉटल्स ऑफ वाटर मैंने नहीं किया है, तो ही एक ही बॉटल पी हूँ अभी तक. और उसके बाद मैं खाना बना के आती हूँ. उसके बाद रिसेंटली जो सेल चल रहे अभी सभी मॉल में, तो मैंने थोड़ा सा शॉपिंग की थी.
कुछ चीज़ें मुझे मिली भी है गिफ्ट में, तो वो चीज़ें आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर कर दूँगी, एक छोटा सा हॉल जैसा। तो हाँ, आप लोग मुझे बताइए आप लोग संडे में जनरली क्या करते हो, बाहर जाते हो या क्या। शेयर योर स्टोरीज डाउन बिलो, मुझे भी जानने का बहुत मन करता है। जनरली मुझे बाहर जाना इतना वो नहीं होता है, क्योंकि मुझे वो वीडियोस का काम होता है, वीकेंड वीकडेज में तो मुझे ऑफिस जाना होता है और मुझे और टाइम नहीं मिलता। तो सैटरडे संडे ट्राई करती हूँ कि मोस्टली मैं वीडियोस और एडिटिंग वो सब ख़त्म कर लूँ। और हाँ, तो मुझे आप बताइए आप क्या करते हो, आपका हॉबी क्या है, पास टाइम क्या है, कैसे बिताते हो आपके संडेज सैटरडेज वीकेंड। तो फिर मैं चलती हूँ अभी मैगी बनाने। So as promised, I'll show you some of the products which I purchased. Not some, like there are only three products. So first I got this beautiful wedges. ये मैंने लिया है मैक से, इस पर 50% ऑफ थी। सो या दिस वॉज अ वेरी गुड डील एंड इट्स सो कम्फर्टेबल टू वेयर एंड आई रियली लव हाउ इट लुक्स एंड इट कैन बी स्टाइल इन मैनी विथ मैनी आउटफिट। सो बहुत बहुत ही वर्सेटाइल पीस है। नेक्स्ट ली हूँ एक टॉप, दिस इज लाइक अ डेनिम टॉप, ये मैंने ली हूँ FBB के स्टोर से। सो ये बहुत एक स्कूप नेक वाला है, बहुत प्रिटी, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। इट्स ये लाइक कॉटन डेनिम मटेरियल है। सबसे अच्छा लगता है इसका जो डिटेलिंग है, ये अगर बटन आप खोल देते हो तो ये एक बेल्ट स्लीव बन जाती है, और बेल्ट बटन अगर आप क्लोज कर लेते हो तो ये एक नॉर्मल स्लीव जैसा लगता है। सो हाँ, दिस इज़ लाइक अ वेरी प्रिटी टॉप। दिस इज़ ये था 899, वो शूज़ था आफ्टर डिस्काउंट 449 पड़ा था। और लास्ट पीस है एक कुर्ती, जो ये भी है FBB से, इसमें भी कोई ऑफर नहीं था। ये एक इकत प्रिंट का कुर्ती है, बहुत लॉन्ग है, बहुत क्यूट सुंदर है, पिंक और वाइट में। यहाँ पे फोल्डिंग वाला बटन डिटेलिंग है, ये भी है 799 में। सो हाँ, ये था एक मेरा स्मॉल हॉल जो मैं शेयर करना चाहती थी। तो और भी बहुत सारे हॉल्स वीडियोस आने वाले हैं मेरे चैनल पे, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए। अभी मैं, मेरा डिनर तो हो गया, अभी मैं और कुछ खाने वाली नहीं हूँ रात को। तो मैं ये फेस पैक लगाने वाली हूँ, दिस इज़ सो गुड। ये मैंने अमेज़ॉन से ली है, बहुत सुनी थी इसके बारे में, लेकिन यूज़ करने के बाद आई रियली सॉ गुड रिजल्ट। सो पिंपल्स को बहुत जल्दी ड्राई कर देते हैं, बहुत अच्छा है एक्चुअली, आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा एक्सपेंसिव है, आई थिंक 799 या डिफर करते हैं अमेज़न में प्राइजेस। मैंने शायद लाइटनिंग डील में थी तो मैंने आई थिंक 500 कुछ में ली थी। बहुत अच्छा है और इतना ह्यूज टब है, बहुत दिन तक चल जाएगा, बहुत दिन भी नहीं, बहुत आई थिंक 2-3 साल तो चले जाएंगे।